एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी क्रम में मैं आप लोगों को टैली प्राइम का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को दी थी उसमें हमने टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उसको मैंने डीपली स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ था। आपको मैं एक सूचना और भी दे दूं कि हमारे इस चैनल पर tally.erp9 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसको हमने बिगनर टू एडवांस पढ़ाया हुआ है। उसमें हमने बेसिक से लेकर के अकाउंट्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं, जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं, कंप्लीट बेसिक हिस्ट्री ऑफ टैली क्या है, वो सब कुछ मैंने उसमें कवरअप किया है। तो जो टैली प्राइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे tally.erp9 के पैकेज को जरूर देख लें, बिकॉज यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी और आप बहुत ही स्मूथली वर्क कर पाएंगे टैली प्राइम में। तो वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यहां पर सारे कोर्सेज फ्री में ही मिलते हैं। और यदि कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टैली प्राइम में जो मेन्यू ऑप्शंस हैं, मींस जो मैनेज के अंतर्गत ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें हम मेन्यू ऑप्शंस कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसके अंतर्गत सारे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो हम उसको समझते हैं किस ऑप्शन का क्या मतलब है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो मेन्यू बार है, एक तरह से इसको मेन्यू बार भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसमें क्रिएट, अल्टर, चेंज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हुए हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो भी मेन्यू ऑप्शन है उनके सामने एक कैरेक्टर दिया गया है और उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कि अल्ट के साथ यदि हम के प्रेस कर देते हैं शॉर्टकट्स में तो हमारे सामने कंपनी का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, मीन्स कंपनी मेन्यू के ऑप्शन हमें शो कर जाएंगे। हम माउस से क्लिक करके मेन्यू ऑप्शन को ओपन करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करें, या फिर हम शॉर्टकट्स के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप देखें यहां पर कंपनी जिसका शॉर्टकट है अल्ट के। अब हम कंपनी रिलेटेड कंप्लीट वर्क यहां से हम करते हैं। कहने का मतलब है यदि हम क्रिएट कंपनी करना चाहते हैं तो यहीं पर हम एंटर कर देंगे, कंपनी क्रिएशन का जो विंडो है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। बट हमें यहां से भी कंपनी क्रिएट नहीं करना है, हमें ऑप्शंस के बारे में आपको बताना है जिससे आप क्लियर हो जाएं कि किस ऑप्शन का यूज क्या है और हम उसे कब यूज करते हैं। अगला ऑप्शन अल्टर होता है, जिससे हम कोई भी सुधार करना चाहते हैं कंपनी रिलेटेड। अपनी कंपनी में यदि हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या हमें एड्रेस चेंज करना है या अदरवाइज कुछ भी हमें करना है तो हम अल्टर पे जा करके अपने कंपनी को हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके कंपनी का अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से अल्ट्रेशन करने में और जो कंपनी का शॉर्टकट F3 है वहाँ से अल्ट्रेशन करने में अंतर है। यहाँ पर हमें अल्टर पर फिर जाना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, फिर हम अल्टर कर पाएंगे। और यदि आप डायरेक्ट जिस कंपनी के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को यदि आप डायरेक्ट अल्टर करना चाहते हैं तो जस्ट अल्टर पे क्लिक करेंगे, आपको फिर कंपनी को चुनने की जरूरत नहीं और डायरेक्ट उस कंपनी को आप ओपन कर लेंगे और इसमें हम सुधार कर सकते हैं जो भी हमें सुधार की आवश्यकता है। कोई भी चेंजेस हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। हम स्टेप बैक करते हैं एस्केप की से। तो एस्केप की से हम कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट पर आपको एस्केप बटन मिलता है, ESC लिखा रहता है, जिसके माध्यम से हम हर एक स्टेप से बैक आ जाते हैं। तो इसी तरह से यदि हमें चेंज पर जाना है, हम कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, और भी कंपनी मेरे पास है, या सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से जा करके हम कंपनी को चेंज कर सकते हैं, चेंज कंपनी के माध्यम से। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। चेंज और सेलेक्ट में अंतर है, हम वहाँ पर सिलेक्शन जा करके लेते हैं और चेंज कंपनी के द्वारा यदि हमारे लिस्ट ऑफ कंपनी में एक से ज़्यादा कंपनीज हैं तो डायरेक्टली हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेट करना होता है यदि हमारे पास कंपनी जो ओपन है उसको हम क्लियरली बंद करना चाहते हैं, कंप्लीटली क्लोज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे। सेट मतलब होता है बंद करना, तो अपने कंपनी को हम बंद कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, बंद कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें अल्टर पे जाना होगा और डायरेक्टली हम यहाँ पर अल्ट और डी एक शॉर्टकट होता है, यहाँ पर अगर हम क्लिक कर दें तो डायरेक्टली कंपनी डिलीट हो जाएगी, बट हमें कंपनी डिलीट नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। शॉर्टकट्स को टैली प्राइम के कंप्लीट शॉर्टकट्स को जानना है तो मेरे इसी चैनल पर जो टैली प्राइम का प्लेलिस्ट है उसमें टैली प्राइम की फर्स्ट वीडियो मैंने कंप्लीट शॉर्टकट्स पर दी है,
तो वहां से आप जाकर के सारे शॉर्टकट्स को इकट्ठा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसको लिख करके तैयार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है देखें ऑनलाइन, यदि हम टैली कंपनी को ऑनलाइन एक्सेस करते हैं तो यहां से हम ऑनलाइन वर्क जैसे टैली को कंपनी को कनेक्ट करना, चूंकि हम ऑनलाइन है नहीं और सर्वर की कंपनी पर हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई कंपनी मेरे पास नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट कनेक्ट करें, तो ऑनलाइन यदि मोड में आप काम कर रहे हैं तो आप कनेक्ट कंपनी, कंपनी को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का स्टेटस आपको जाना है, मतलब कनेक्शन है नहीं है, कन्फर्म है कैंसिल है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है बिना ऑफिस गए आप उसको अपने घर से वर्क फ्रॉम होम जैसे लोग कर रहे हैं, इस तरह से कंपनी तक ना जा करके भी कंपनी के काम को कर लेना रिमोट एक्सेस कहलाता है। ब्राउज एक्सेस अगर हम ओपन करके एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें वर्क करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे। कॉन्फ़िगर अगर हम कंपनी में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ फीचर्स पर जाएंगे और एक कंप्लीट सेटिंग आप कर सकते हैं, जो कि कंपनी बनाते ही आपके सामने फीचर्स प्रेजेंट हो जाते हैं और आप फीचर्स को सेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी, तो एक एक फीचर को एक्टिवेट करते जाएंगे और उसके बारे में हम पढ़ाई करते जाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी का, तो अगर हमने टैली कंपनी बनाते समय सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखा है तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑप्शन शो करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, अपने कंपनी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे कंपनी में कोई भी डेटा लीक ना हो, कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके। टैली वर्ल्ड पासवर्ड होता है, ये भी सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है जहाँ से हम सिक्योरिटी वर्ल्ड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड पासवर्ड आप दे देंगे। हाँ, कोई भी पासवर्ड यदि आप देते हैं तो उसे आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, ये टैली वर्ल्ड क्या होता है, यूजर प्रोटेक्शन पासवर्ड क्या होता है, मैंने कंप्लीटली कंपनी बनाते समय बताया हुआ है, तो उसे आप पिछली वीडियो मेरी कंपनी क्रिएशन की जरूर देख लें। ऑनलाइन एक्सेस करना है तो मैंने भी आपको इसके बारे में बताया ऑनलाइन एक्सेस का, तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम ऑनलाइन एक्सेस के जो भी चेंजेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, उसको हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं डेटा, यहाँ पर हम क्लिक करें या फिर अल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो डेटा आ जाएगा, मीन्स जो कंपनी का डाटा है आपका उसको आप बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे हमने इंस्टॉल किया तो सी ड्राइव में गया, उसे हम डी ड्राइव या अदर किसी लोकेशन में किसी अदर डायरेक्टरी में अपने कंपनी के डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं। जो बैकअप डाटा है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर ऑप्शन से हम ला सकते हैं। कंपनी को हम चेंज करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, वेरीफाई डाटा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्प्लिट के माध्यम से जाएं और उसको हम करें। ये सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे हम आगे आपको पढ़ाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फीचर्स आते रहेंगे, उसको हम बताते जाएंगे, तो इन ऑप्शंस का यूज आगे आपको मिलेगा। अभी मैं आपको केवल यहाँ किस ऑप्शन का क्या वर्क है, मतलब क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप ट्रबल शूट करना चाहते हैं, आपके टैली सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब जो पुराने वर्जन में बनी हुई कंपनी है उसको आप इसमें माइग्रेट करके ला सकते हैं। आपके ऑल एक्सेप्शंस हैं उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में डेटा का पाथ अगर हमें चेंज करना है, क्योंकि जैसे कंपनी बनाते समय मैं आपने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो मेरी कंपनी जाकर के स्टोर होती है या कंपनी के जो सेव डेटा होते हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, तो उसका ये लोकेशन होता है जिसको हम जाकर के चेंज भी कर सकते हैं, पाथ को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा का पाथ और बैकअप पाथ हम चेंज कर लें तो हमारे कंपनी का बैकअप मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से आपने डेटा के सारे ऑप्शंस को देख लिया, सबके मतलब थोड़े बहुत आपको मालूम हो गए होंगे। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है एक्सचेंज, यदि हम ईवे बिल पर काम करते हैं तो यहाँ से हम ईवे बिल को सेंड कर सकते हैं, कंप्लीट उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ईवे बिल क्या होता है जब हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसके बारे में, ईवे बिल के बारे में डीपली बताएंगे, फिर एक्सचेंज ऑप्शन का आपको यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेटा को सिंक्रोनाइज करना है तो आप यहाँ से जाकर के कॉन्फ़िगर से डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेनू है आपका गो टू मेनू, जिसके मदद से आप कहीं भी जो हम रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से देखते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स या कोई भी डिस्प्ले चार्ट अकाउंट कुछ भी हमें चेक करना है, डायरेक्ट हम गो टू से वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे हमें बैलेंस शीट चेक करना तो डायरेक्ट बैलेंस शीट को हम यहीं से गो टू के माध्यम से चेक कर सकते हैं। गो मेनू का शॉर्टकट्स होता है अल्ट प्लस जी, और अल्ट प्लस जी करके आप गो टू को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंपनी का फाइनल रिपोर्ट होता है वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ हमको कंप्लीट रिपोर्ट्स प्रोवाइड हो जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, इन सब आपका ऑप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिटेल आपको चेक करना है तो आप यहाँ से
बैंकिंग यूटिलिटीज को आप चेक करना चाहते हैं, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है, चेक डिपॉजिट स्लिप है, चेक प्रिंटिंग है, ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से डायरेक्ट रीचेक कर सकते हो और जान सकते हैं। तो इस तरह से गो टू के ऑप्शंस को आप रिपोर्ट को चेक करने के लिए हर एक स्टेप को, जो सेव्ड व्यूज हैं उनको आपको जानना है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। सो मोर यदि आपको कहीं भी लिखा मिले तो आप उसको जरूर क्लिक करके एक बार देखें, क्योंकि उसको क्लिक करने के बाद और भी जो ऐसे ऑप्शन है हिडन होते हैं वो भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अगला मेनू ऑप्शन है इंपोर्ट, जो कि पहले यूटिलिटीज के अंतर्गत हुआ करता था tally.erp9 में, अब उसको उठा करके आप मेन्यू पे डाल दिया गया है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा वर्क इसका हम नहीं करते, बट यहाँ इसको रखा गया है। इसका यूज ये है कि हम जो भी एक्सपोर्टेड डेटा है, चाहे वो लेजर हो, चाहे वाउचर हो, कोई भी मास्टर या ट्रांजेक्शन के ऑप्शन हो, उन्हें हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो मास्टर को इंपोर्ट करना है, मास्टर चाहे वो अकाउंटिंग रिलेटेड मास्टर हो, इन्वेंटरी मास्टर्स हो, उसको हम यहाँ स्टेटरी मास्टर हो, हम यहाँ से ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन के डेटा को हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो एग्जम्पशन डेटा है, जैसे बैंक का डिटेल है, GST रिटर्न है, कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इंपोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है, उसका डायलॉग आ जा सकता है, यहाँ से जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट का यूज, इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना, मतलब रिसीव करना, किसी भी सोर्स कंपनी से हम जो डेटा भेजे हुए हैं, एक्सपोर्ट किए गए हैं, उसको हम डेस्टिनेशन कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका आयात हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना होता निर्यात करना, अपने कंपनी के डेटा को हम कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब भेजते हैं तो जो डेटा के स्टोरेज करने का डेटा लोकेशन पाथ है जो आपका, वहां पर जाकर के डेटा स्टोर हो जाता है, और इंपोर्ट करते हैं तो डेटा वहां से रिसीव कर लिया जाता है। तो जो भी करंट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चूंकि मेन विंडो पर अभी हमें तो यहां पर करंट हाईलाइट नहीं है, एक्सपोर्ट करना है चाहे हमें मास्टर एक्सपोर्ट करना है, ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट करना है, या हम अदर सॉफ्टवेयर में भी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसी कोई डिटेल या बैंक रिलेटेड डिटेल को हमें एक्सपोर्ट करना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ाएंगे जब आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो आपको बहुत ही डीपली इसके बारे में बताएंगे। कोई भी रिटर्न हमें एक्सपोर्ट करना है, कंपनी डेटा को एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ से हम कॉन्फ़िगर के माध्यम से एक्सपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपोर्ट का यूज़ होता है, हमें कोई भी डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, या कंपनी से अदर सॉफ्टवेयर में, अदर एक्सटेंशन फाइल में हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हम एक्सपोर्ट के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ईमेल है, आप देख पा रहे हैं, शॉर्टकट है Alt+M, Alt+M शॉर्टकट है, डायरेक्टली Alt+M करेंगे तो ईमेल का जो मेन्यू है वो ओपन होकर के आ जाएगा। आप देखें रिपोर्ट्स को ही हम मेल करते हैं बेसिकली, चाहे जो करंट रिपोर्ट आपके सामने होगी उसको हम मेल करते हैं, तो उसका शॉर्टकट Ctrl+M होता है। अदर कोई डिटेल हमें मेल करना है तो यहाँ से हम उसको चेक करेंगे, चूंकि हम मेन विंडो पर हैं तो सारी चीज़ें नहीं दिखती। हम मेल करके किसी के पास भेजना चाहते हैं डेटा को, तो हम यहाँ से मेल करके डाल सकते हैं, यहाँ से मेल के द्वारा डायरेक्टली सर्व मेल हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम एक्सपोर्ट कर लें डेटा को, फिर हम वहाँ से जा करके मेल कर सकते हैं। जो सर्वर बेस पर काम नहीं करते हैं, जो ऑनलाइन बेस पर काम नहीं करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो डेटा को एक्सपोर्ट किया जाए, फिर वहाँ से हम इंडिविजुअल मेल कर सकते हैं। मेल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर के माध्यम से मेल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट करना। प्रिंट, यदि हमें कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करनी है, कहने का मतलब यदि हम किसी भी रिपोर्ट पर हैं, जैसे हम यहाँ बैलेंस शीट पर हैं और बैलेंस शीट रिपोर्ट को हमें प्रिंट करना, तो आप देखें करंट आपका हाईलाइट होगा डेटा। जब हम एक ऐसी विंडो पर होंगे, एक्टिव विंडो पर होंगे, जहाँ से कोई भी रिपोर्ट हम में प्रिंट करना चाहते हैं, रिपोर्ट होगी तभी आपका करंट प्रिंट हाईलाइट होगा। मीन्स जो काम हमें करना है, अगर वो विंडो हमारे सामने नहीं है, वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब कि इस पोजीशन पर हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट क्या करते हैं, रिपोर्ट को ही करते हैं प्रिंट, तो उसके लिए रिपोर्ट का ओपन होना जरूरी है। तो करंट प्रिंट से हम जो रिपोर्ट करेंटली ओपन रहेगी उसको हम कर सकते हैं। अदर कोई भी ऑप्शन हमें करना है तो हम यहाँ से एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं, और उस रिपोर्ट को जाकर के आप देख रहे हैं, जैसे पेरोल का रिपोर्ट है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम, कोई फॉर्म है आपका प्रिंट करना चाहते हैं, रिटर्न्स फाइल प्रिंट करना चाहते हैं, रिटर्न फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं, वो सब हम आराम से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। यदि आपके पास प्रिंटर है और प्रिंटर के ड्राइवर्स हैं तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रीव्यू के माध्यम से हर एक इफेक्ट को चेक कर सकते हैं कि कैसे ये प्रिंट में आना है,
उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डायमेंशन क्या होगा, हेडर्स क्या रखना है, कंपनी का डिटेल क्या, सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपका है हेल्प। यदि हमें कोई भी हेल्प लेना है तो डायरेक्टली टैली रिलेटेड हेल्प लेना है, कुछ भी नया जानना चाहते हैं तो व्हाट्स न्यू कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं टैली सॉफ्टवेयर्स पे जाना चाहते हैं, ट्रबल शूट करना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन, हमें किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, सर्वर रिलेटेड हेल्प चाहिए, नॉर्मल हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। F1 प्रेस करके हम मेनू ओपन करेंगे और कंट्रोल F1 करके हम टैली के बारे में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कंप्लीट मेनू ऑप्शन को हमने आपको बताया, उसके ऑप्शंस के बारे में कम्प्लीटली आपको बताया मैंने, और ये ऑप्शंस का यूज हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, चूंकि हमें बिगनर टू एडवांस पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से लेकर के हम इसको आगे तक ले जाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमें हर एक ऑप्शन का मतलब हर एक मेनू का यूज समझ में आता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को मैं एंड करूं उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, बिकॉज ये चैनल आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता है, तथा वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, यदि कोई क्वेरी होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।